दोस्तों हम पावर इंडस्ट्री की बात करें, न्यूक्लियर पावर की बात करें, थर्मल रिएक्टर्स की बात करें या ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, एक ऐसा छोटा सा कंपोनेंट है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। छोटा सा कंपोनेंट मतलब साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो शायद लोग उसको इग्नोर कर रहे होंगे, बट वो इतना बड़ा कंपोनेंट है, छोटा होकर भी बहुत बड़ा है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी। क्योंकि जब हम रिएक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सीलिंग की जरूरत होती है। एक ऐसी कंपनी जिसको BHEL से लेटेस्ट ऑर्डर मिला है और उस ऑर्डर के मिलने के बाद में स्टॉक में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, दोबारा से उसमें करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक को हमने पहले भी चैनल के ऊपर कवर किया। मैं बात कर रहा हूँ सीलमैटिक इंडिया की। सीलमैटिक एक ऐसी कंपनी है जो फिलहाल 600 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रही है, डाउनफॉल में चल रही है। करेक्ट, ये एग्जैक्ट कंपनी क्या है, किस कौन कौन से क्लाइंट्स के लिए काम करती है, आप देखिए। ये कंपनी एक्चुअली मैकेनिकल सील्स बनाती है, सील सप्लाई सिस्टम्स बनाती है, पंप्स बनाती है, वॉल्व्स बनाती है, मोटर्स एंड हाई प्रिसीजन मैकेनिक इंजीनियरिंग के लिए काम करती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है, देखिए इसका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो इंजीनियर्ड सील्स है, मैकेनिकल सील्स है, स्टैंडर्ड कार्ट्रिज सील्स है, सप्लाई सिस्टम कंपोनेंट्स है, गैस लुब्रिकेटेड सील्स है, स्प्लिट सील्स है, पुशर सील्स है, बहुत सारी सील्स है। मतलब एक्चुअल में जब हम बात करें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की, तो यहाँ पे इस कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस है। हाल फिलहाल में इसको BHEL से भी एक लेटेस्ट ऑर्डर मिला है। देखिए इंडस्ट्री कौन सी यूज करती है, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर माइनिंग। तो एक ऐसा छोटा कंपोनेंट कभी कभी मल्टीबैगर हो सकता है। क्या वाकई कंपनी सॉलिड है, फंडामेंटली हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। स्मॉल कैप नहीं, बिल्कुल माइक्रो कैप शेयर है, 543 करोड़ की कंपनी है, 600 रुपीज का प्राइस है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 करोड़ शेयर भी मार्केट में नहीं है, 0.9, मतलब 91 लाख शेयर्स मार्केट में है, जिसके ऊपर एक खेल हो रहा है। आप इससे सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है भी 10 रुपए की फेस वाली कंपनी, हो सकता है स्प्लिट करे, बोनस लेके आए, इक्विटी को मार्केट में बढ़ाने के लिए चांसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में हो सकती है। पर अगर यहाँ ये कंपनी अगर नंबर ऑफ शेयर मार्केट में नहीं भी बढ़ाती है तो भी यहाँ पे 16% के रिटर्न के साथ में कंपनी अच्छा काम कर रही है, 11% के रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पे खेल क्या निकल के आएगा, खेल ये है कि अगर ये ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं, डेट कंपनी के ऊपर कुछ है नहीं, तो डेट नहीं है तो कंपनी प्रॉफिट ठीक ठाक से कर रही होगी। अब कंपनी का जो बिजनेस है ये देखिए साल दर साल बढ़ रहा है। कोविड में मार्च 20 में इसका बिजनेस था 33 करोड़ की सेल्स, 35, 42, 58 और 71, ये इंक्रीमेंटल बिजनेस है। ऐसे बिजनेसेस आगे जाके ग्रो करते हैं। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इसका बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन देखिए 19-20%, 25-25% के प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। नेट प्रॉफिट 9-10 करोड़ के आसपास कंपनी मेंटेन कर रही है। ईपीएस पॉजिटिव, 10-12 का ईपीएस है। तो फंडामेंटली कंपनी ठीक दिखाई दे रही है। चार्ट पे प्रॉब्लम क्या है, चार्ट के ऊपर में क्या होता है, जब लिक्विडिटी ही नहीं है तो ऐसे स्टॉक्स किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत बड़ी क्वांटिटी आप परचेज कर लेते हैं तो ट्रैप भी हो सकते हैं, है ना। बट क्योंकि फ्यूचर अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, तो वॉचलिस्ट में रखने में कोई बुराई नहीं है, लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन है और 40% की करेक्शन पे ये स्टॉक अपने हाई से यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी स्टॉक में अगर 50% से 60% की करेक्शन हो जाती है तो 100% बाइंग जोन माना जाता है एज पर दी टेक्निकल एनालिसिस और एज पर दी मार्केट गुरु। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि 50% करेक्शन पे कोई स्टॉक मिल रहा है, अच्छे बिजनेस है, अच्छा फ्यूचर है उसमें, तो उसको लेने की कोशिश की जा सकती है। तो 600 रुपए के आसपास में इसका एक सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। अब यहां पे छोटा सपोर्ट निकालने के लिए या मेजर सपोर्ट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको डालना है टीटीसी के ऊपर में। टीटीसी में स्टॉक की वैल्यू डालते हैं हम, यहां पे 600 रुपीज का इसका प्राइस चल रहा है, इसमें डालते हैं तो यहां पे इमीडिएट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है 577 से लेके 552, 576 से 552 इसकी रेंज रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि लिक्विड शेयर है, ज्यादा शेयर मार्केट में नहीं है तो एक रेंज हो सकती है। इस रेंज के अंदर अगर स्टॉक मिलता है वहां पे, अगर मान लीजिए हायर हाई हायर लो पैटर्न के साथ स्टॉक चलने की कोशिश करता है तो वहां पे छोटी मोटी पोजीशन से बनाई जा सकती है ऐसी जोन के अंदर में। अभी के लिए वो 600 के पास में है, 650 से गिरता हुआ है, तो अभी इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर यहां तक ये स्टॉक मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी जर्नी 500 रुपए तक भी जा सकती है। 506 रुपए देखिए 506 का लास्ट इसका सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि लिक्विड स्टॉक कितना भी गिर सकते हैं। अब वो भी चेक कर सकते हैं कि जो फिबोनाची का जो मेजर सपोर्ट है वो भी 508 रुपए के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक आ रहा है, देखिए ये स्टॉक इतने यहाँ पे टच किया है 2-3 बार, बार बार इस रेंज के अंदर में आ रहा है, तो 500 रुपए मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। शर्त यह है कि ये चलना स्टार्ट हो जाए। तो डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं क्या कोई बाइंग आ रही है। डेली चार्ट पे अभी भी इसमें कोई बाइंग नहीं दिखाई दे रही है, अभी भी स्ट्रेंथ इसमें नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आपको लेना है तो इसको वॉचेस में लगा के रखिए। ये बिजनेस समझ में आ रहा है तो वॉचेस में लगाइए, बिजनेस नहीं समझ में आ रहा तो कोई ना कोई तो स्टॉक आपको मिल ही जाएगा। बहुत सारे स्टॉक्स की वीडियोस हम चैनल पे लेके आते रहते हैं, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा रियल स्कैल्पर विपुल चैनल है, यहाँ 2 वीडियो डेली आती हैं। हमारा विपुल कौशिक चैनल है, यहाँ पे 2 वीडियो, 1 वीडियो डेली आती है, ठीक है। तो दोनों चैनल्स पे आपको कंटेंट इतना मिल जाएगा क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक तो आपको शायद पसंद आ ही सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें समझ में आए कि नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पे हो सकती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।